यार क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की से कैसे बात करें, या फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बात तो उससे होता है, उसको गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, तो यार मैं हाजिर हूँ ना। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। यार चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को आपको वापस लाना है तो भी ये ट्रिक काम करेगी, और अगर आपकी कोई फ्रेंड है ना, मतलब हल्की हल्की बात होती है तो भी ये ट्रिक काम करेगी। तो है ना कमाल की, यस यस यस, क्योंकि बहुत किसी ने बोला था कि यार वो लड़की छोड़ के चली गई, मैं उसे आज भी प्यार करता हूँ, तो इसीलिए आज ये वीडियो है कि जो एक्स है ना उसे कैसे इंप्रेस करे। तो चलिए उसे फिर से वापस लाएंगे आपके लाइफ में, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पता है, देखो आज मैं आपको जो फॉर्मूला बोलूंगी ना, इससे क्या होगा ना कि उस लड़की को एक टाइम लगेगा कि आप उसे प्यार करते हो, और एक टाइम लगेगा कि आप उसे प्यार नहीं करते हो। अब उसके दिमाग में डिंग 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 लोचा होगा, वो आपके बारे में सोच सोच के कंफ्यूज हो जाएगी, और जब वो आपके बारे में सोचेगी जनाब, तभी तो आपसे फिर से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, इसीलिए आपको एक बार उसको सोचाना है अपने बारे में, एक बार उसको इग्नोर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो बताती हूँ, ध्यान से सुनना ठीक है। देखो अगर आप लड़की को सिर्फ इम्प्रेस करोगे उसके इम्प्रेस करने के पीछे पड़े रहोगे, तो वो पता है आपको क्या सोचेगी कि आप एक भौ भौ हो जो उसके इशारों पर नाचते हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। तो अगर वो आपकी एक्स है ना और उससे बातें होती है तभी ये चलेगा, क्योंकि अगर बात ही नहीं होती है यार, तो उस लड़की के दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स तो है ही नहीं, तो उसे अपनी लाइफ में लाकर क्या करोगे, वो आपको फिर कभी छोड़ के जाएगी। और अगर एक्स है लेकिन फिर भी बात बात होती है ना, तो ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि इसके लिए बात होना ज़रूरी है ठीक है। तो इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक दिन उससे बात करनी है, एक दिन उसको रियलाइज़ करवाना, जैसे कि तुम दोनों बोले कि यार ठीक है हम दोनों की रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या हुआ, हम दोस्त बन सकते हैं, और बातें आप दोनों की शुरू हो रही है। अब वो बंदी आपको बोल रही है यार तुम्हें मेरी याद आती है, तो तुम्हें बोलना है कि हाँ यार याद तो आती है कुछ कुछ बातों का, एक बार उसे ऐसे रियलाइज़ करवाया कि आपने कि उसकी याद आती है, फिर दूसरा टाइम क्या बोलना है कि नहीं सिंगल लाइफ बहुत अच्छी है, पता है मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह के बहुत सारे काम नहीं कर पाता था, जो मैं सिंगल हूँ तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, मज़े से सो सकता हूँ, मज़े से उठ सकता हूँ, और जो मन वो कर सकता हूँ। तो उसे लगेगा कि यार वो मुझे लाइक करता है, फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है, फिर लगेगा यार नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ठीक है, जैसे कि मानो एक बार से आपको ये दिलाना है कि आप उससे अभी प्यार करते हो, जैसे उसके पिक में कमेंट कर दिए हाय मेरा तो दिल फिर से आ गया तुम पर, या फिर आपने कमेंट कर दिया यार यार यूं तो मैं सख्त लौंडा हूँ लेकिन यहाँ पे मैं पिघल गया, ऐसे आपने को बोलना है। फिर दूसरे बार आपको बोलना है उसे कि पता है एक लड़की है मेरी ना, आजकल उससे बातें होती है, मतलब कुछ नहीं है हम दोनों के बीच, लेकिन हल्का फुल्का बातें होती है, अच्छा लगता है। अब देखो लड़कियों को ना इस मामले में कॉम्पिटिशन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो आपकी एक्स से और बात हो रही तो थोड़ी बहुत तो दिल में फीलिंग्स है, या फिर आपकी फ्रेंड भी है, मतलब बात हो रही तो फीलिंग्स है, और उसे लगेगा कि यार उसके लाइफ में कोई और आ जाएगा, तो उसे पता है क्या लगेगा कि यार नहीं 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 उससे अच्छा मैं ही कुछ करूँ, फिर से हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए ठीक है। और आपको बीच बीच में ये आपको रियलाइज़ करवाना है कि आपकी भी रिलेशनशिप में कुछ गलती थी, तब उस बंदी को लगेगा कि आपने गलती मानी, क्योंकि कुछ भी कर लो आप अगर ये दिलाओगे ना लड़की को कि उसकी गलती थी, भाई तुम तो बहुत सीधे साधे हो, विश्वास मानो सारी गलती उसकी भी होगी ना, फिर भी वो आपसे इंप्रेस नहीं होगी। इसलिए ये अगर आप चाहते हो ना कि थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना होगा तो इतना कर देना ओके। पहले एक बार आपको ऐसा करना है कि आप उसे पसंद करते हो, और एक बार नहीं करते हो, पतली गली से आप निकल रहे हो, लेकिन जरा रुक जाओ, ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे पतली गली से मत निकलो, वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी कमाल की वीडियो है। चैनल पर पहली बार आए हो तो मिस रानी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने अब तक इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना दोस्त। वैसे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @_missmegha। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, आई मिस यू एंड डोंट फॉरगेट। नहीं, कोरोना नहीं है, जैसे जो लड़की आपको देखती है वो लड़की आपसे इंप्रेस नहीं होना चाहती, वैसे हर खांसी कोरोना नहीं होती ओके। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, आई मिस यू एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी, बाय।